हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नारियल की चटनी बना के दिखाऊंगी। इडली तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन नारियल की चटनी बनाने में उनको परेशानी होती है, इसलिए मैं आपको सरल तरीके से नारियल की चटनी बना के दिखाऊंगी। एकदम घर के सामान से मार्केट जैसी चटनी बनेगी। ये मैं कच्चा नारियल ले ली हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। ये है हरी मिर्च, ये है थोड़ा धनिया पत्ता, हरा पत्ता है, और ये है 1 चम्मच जीरा, ये 1 चम्मच जिंजर पाउडर है। आप लहसुन खाते होंगे तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने लहसुन अपने किसी भी रेसिपी में नहीं डालती। और ये है सिंगदाना भीगा हुआ, इसको 1-2 घंटे तक हम भिगा के रखते हैं ताकि अच्छे से पीस जाए। और ये है नमक, ये है सरसों, ये है कड़ी पत्ता, सब घर का सामान है, आराम से घर पे मिल जाते हैं। और एक मैं मिक्सर का जार लूँगी। अब इसमें हम ये सब डालेंगे। पहले मैं नारियल का टुकड़ा डालूँगी, सब हरी मिर्ची डालूँगी, धनिया की पत्ती, जीरा, जिंजर पाउडर। मैं पाउडर डाल रही हूँ, आप अदरक भी क्रश करके डाल सकते हैं। और ये मैं पानी इसका निकाल के मूंगफली भी डाल दूँगी। और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। और ये जो मूंगफली का पानी है, मैं यही यूज कर लूँगी, साफ पानी है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके पीस ली हूँ, अच्छे से, एकदम अच्छे से फाइन पीस गया है। अब चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। कढ़ाई गैस पे मैं चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, 1 चम्मच के करीब। और मैं ये काली सरसों ली हूँ तड़का के लिए। अब इसमें ऐड करूँगी, अच्छे से चटकने लगेगा। सरसों चटकने लगा है, ये हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अब इसमें हम नारियल का पिसा हुआ पेस्ट ऐड करेंगे, तड़का लगा देंगे अच्छे से। आपको पानी अगर और ज़्यादा ऐड करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही जितना पानी आप पीसे रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चटनी बनके परफेक्ट रेडी होती है। Thank you.